नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरा होने पर हाथरस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें कि हाथरस में योगी सरकार के एक साल पूरा होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहाँ बीजेपी नेताओं ने एक साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो गया है। इस कड़ी में हाथरस के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में योगी सरकार के एक साल पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी सांसद, बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेताओं ने योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी के साथ प्रशासनिक कर्मचारी भी मौजूद रहे। तो बेटे में बात अब गोंडा की कर लेते हैं, जहां योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरा होने के पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद बृज सिंह भूषण ने राहुल गांधी को लेकर बयान दिया है। गोंडा में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे केसरगंज के विदेशी सांसद, भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण और पूर्व मंत्री रामपति शास्त्री सहित जिले के विधायकों ने पुस्तक का विमोचन किया, जहां सरकार की तरफ से किए गए कामों की उपलब्धियां गिनाई गईं। इस दौरान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि योगी सरकार ने जमीन, आकाश और हर तरफ विकास काम किया है। यह समस्या प्रदेश सरकार की नहीं है और आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फिर से बहुमत मिलेगा। तो वहीं बीजेपी सांसद ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद उनके ट्वीट को लेकर कई कीमतें चुकाने की जरूरत है, उनकी आवाज उठाने पर कोई बयान नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अधिकार है और राहुल गांधी को भी अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। इमरजेंसी लगाई थी, आज उनके पास वो ताकत नहीं है, नहीं देश में इमरजेंसी लगा देते। सांसद जी, 2024 से पहले जिस तरीके से महागठबंधन का नीतीश को आगे लाया जा रहा, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, गठबंधन बने, महागठबंधन बने, 24 में मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और देश की जनता मन बना चुकी है, देश की जनता मन बना चुकी है, तय कर चुकी है, इसमें अब किसी का कहीं गुंजाइश नहीं है, 24 में कुछ खाली नहीं है। मोदी जी की चार प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि कांग्रेस के सभी सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस तरीके से जो संस्था रद्द की गई है। उनकी राय बहुत उत्तम है, उनकी राय बहुत उत्तम है बहुत उत्तम है। अगर कांग्रेस के सांसद ऐसा करते हैं तो हम तो कम से कम व्यक्तिगत और हमारे गोंडा के विधायक सब हमारे साथ बैठे। तो बीजेपी सांसद वरुण गांधी एक दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंचे, यहां उन्होंने निजीकरण के खिलाफ बयान दिया। वरुण गांधी एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे, जहां वरुण गांधी ने पूरनपुर इलाके में जाकर जनसंवाद कार्यक्रम में संबोधित किया और जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान वरुण गांधी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जनसमस्याओं के निस्तारण के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पूरनपुर के कोरा गांव में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान वरुण गांधी का अंदाज कुछ बदला सा नजर आया। वरुण गांधी ने कार्यक्रम में एक बार फिर से कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर अपना धर्म निभाने वाली जनता और को बचाने वाले संविदा कर्मचारियों का मुद्दा उठाया। यहाँ जनता के संबोधन के दौरान सांसद वरुण गांधी ने कहा कि मैं देश में निजीकरण के खिलाफ आवाज उठाता हूँ, देश में रेल, सेल और एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, अगर यह सब बिक जाएगा तो पीलीभीत के लोग नौकरी के लिए कहां जाएंगे। वरुण गांधी ने आगे कहा कि देश का अकेला सांसद था जिसने किसान आंदोलन के दौरान किसानों के मुद्दों की आवाज उठाई थी, जहां उन्होंने कहा कि निजीकरण कर देश में चंद लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो वहीं सांसद वरुण गांधी ने कहा कि राजनीति के 14 साल से मैंने सैलरी सहित कोई फायदा नहीं लिया है, ना ही पैसे लिए हैं, लेकिन आज देश में सांसद और विधायक कमीशन का पैसा खा रहे हैं, ऐसे में देश को चंद लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं निजीकरण के खिलाफ हमेशा आवाज उठाता रहूंगा। जो लोग अधिकारी के सामने बात नहीं रख सकते, उन अधिकारियों से उनका सम्मान निकालने के लिए आया हम लोग। मुझे याद है जब मैं संसद गया
और जब मैं संसद भवन के अंदर गया, मैंने देखा एक से एक बड़ी गाड़ी लगी हुई। मैंने चिट्ठी सारे सांसदों को लिखी, मैंने कहा हम सबको अपनी तनख्वाह त्याग देनी चाहिए देश के, ताकि एक संदेश जाए कि हम राजनीति में पैसे के लिए नहीं, हम राजनीति में संकल्पित होके आए। मैंने 14 साल से कोई तनख्वाह नहीं ली। बेटन बाबा, अब गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां पहुंचे प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने योगी सरकार की एक साल की उपलब्धियां गिनाई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 25 मार्च को दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा कर लिया है। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री और गाजियाबाद के प्रभारी मंत्री असीम अरुण गाजियाबाद पहुंचे, जहां प्रदेश सरकार के साल की उपलब्धियों को लेकर जिला मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। गाजियाबाद में प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार का 6 साल का कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रहा है। यहां उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद योगी सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और दुर्व्यवस्था की थी, जो समाजवादी सरकार छोड़कर गई थी। चुनौतियों का हमने डटकर सामना किया है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से उभरने के लिए हमें सफलता मिली है। इसके बाद सबसे बड़ी चुनौती कोरोना महामारी थी, जहां योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में सबसे बड़ा परिवर्तन आया है। क्योंकि जहां एक और हम पूरे उत्तर प्रदेश में 33 लाख करोड़ के निवेश की बात कर रहे हैं, तो इतने निवेश के साथ जो नए अवसर आएंगे, नई नौकरियां आएंगी, नए व्यवसाय खुलेंगे, उसका अगर लाभ उठाना है तो उत्तर प्रदेश के युवाओं को और कौशल देना होगा। यद्यपि हमारे युवा पूरे भारत में, पूरे देश में जाकर के अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं, अच्छी से अच्छी नौकरियां करते हैं, स्टार्टअप बनाते हैं या स्वयं कंपनियों के टॉप मैनेजर। तो बैठन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूर्ण होने के बाद पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री जयवंत सिंह ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उत्तर प्रदेश सरकार के एक साल पूरा होने पर कलेक्टर के लोक मंच पर राज्य सरकार की एक साल की उपलब्धियां गिनाई गईं। इसी के साथ ही सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार नामक विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री जयवंत सिंह सैनी ने राहुल गांधी को सदस्यता समाप्त होने पर कहा कि देश कानून से चलता है, कानून के तहत अदालत से उनको सजा मिली है, जो सजा दी गई है उसे यह सिद्ध हो गया है कि देश के अंदर कानून का राज कायम है। उत्तर प्रदेश और देश की सरकार कानून के आधार पर चलती है, और जो भी कानून का उल्लंघन करेगा सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। भारत के नेतृत्व में जो आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के प्रयास से सरकार बनी, दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष और कुल मिलाकर के 6 वर्ष आज सरकार ने पूरे किए। उत्तर प्रदेश के अंदर 6 साल पहले का एक वातावरण था, उसको बदलने का प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश सुशासन, विकास और रोजगार का प्रदेश के रूप में आज जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में 6 साल पहले की एक स्थिति थी, कोई भी निवेशक उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करना नहीं चाहता। तो बैठन में बात कुशीनगर की कर लेते हैं, जहां समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सम्राट अशोक की जयंती पर जनसभा को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर पहुंचे। बता दें कि कुशीनगर पडरौना रोड स्थित जूनियर हाई स्कूल में सम्राट अशोक की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने सभा को संबोधित किया, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने सम्राट अशोक की जीवनी पर प्रकाश डाला, तो वहीं उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जब से भाजपा सरकार आई है, सरकारी नौकरियां खत्म होती जा रही हैं, पूरे प्रदेश और देश का नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। आजादी के बाद ये पहली सरकार है जो राष्ट्रीय संपत्तियों को
अपने चहेते उद्योगपतियों के हाथों में औने पौने दामों में बेच रही है। जिन संस्थानों में, जिन राष्ट्रीय विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलती थी, वो विभाग निजी हाथों में दिए। बटन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 66 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। मथुरा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 66 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। बता दें कि सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 50 जोड़ों की शादी नगर निगम ने कराई, तो वहीं 16 जोड़ों की शादी समाज कल्याण विभाग ने कराई। इस दौरान 66 जोड़ों में से 65 हिंदू जोड़े थे और एक मुस्लिम जोड़ा था। दरअसल मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत BSU इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, प्रभारी मंत्री संदीप सिंह मौजूद रहे, जिन्होंने सभी जोड़ों को आशीर्वाद दिया। तो वहीं मथुरा वृंदावन नगर निगम की तरफ से हर जोड़े को विवाह पर 51,000 रुपये दिए गए। जी मंत्री जी, बताएं कितने जोड़ों को यहाँ पर शादी कराई? आज प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ 65 जोड़ों का विवाह संपन्न हो रहा है और उसमें 64 जो हमारी बहनें हैं उनका विवाह संपन्न हो रहा है। एक हमारी जो बहन है उसका निकाह संपन्न हो रहा है। तो ये सरकार की हमारी पहल है। हमारी सरकार ने गरीब जो लोग हैं उनको एक सुरक्षा कवच दिया है। तो सुरक्षा कवच में घर की जो उनकी बुनियादी जो आवश्यकताएँ हैं उनके साथ साथ, जैसे पक्की छत है, शौचालय है, आयुष्मान का कार्ड है, उसी के साथ साथ बेटी का विवाह भी सरकार कर रही है। यानी कि सरकार अब 51,000 रुपये बेटी को कन्यादान के रूप में दे रही है, जिसमें 35,000 रुपये सीधा बेटी के खाते में चले जाते हैं। तो ये जो हमारा सरकार का हमारा जो संकल्प है, गरीब कल्याण की जो योजना है, वो घर तक पहुँचें। और बेटी अब वरदान है, बेटी कोई अब भार नहीं है, वजन नहीं है। तो गरीब की बेटी अगर पैदा हुई है तो उसकी चिंता, पढ़ाई से लेकर उसके विवाह तक की चिंता सरकार कर रही है। तो एक अच्छी पहल हमारी सरकार की है। इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री जी और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम सब लोग स्वागत करते हैं और ये सब उनकी प्रेरणा से यह संपन्न। बटन में बात रामपुर की कर लेते हैं, जहाँ खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल के समर्थन में पोस्टर लगाए गए, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मिनी पंजाब कहे जाने वाले तराई क्षेत्र में एक बार फिर से सिख अलगाववादी की आहट सुनाई पड़ी है। ये ताजा मामला रामपुर के बिलासपुर का है, जहां कोतवाली बिलासपुर क्षेत्र के मोहल्ला शांति कॉलोनी के पास पंजाबी कॉलोनी स्थित नगर पालिका कॉम्प्लेक्स समेत कई जगहों पर अलगाववादी अमृतपाल सिंह के समर्थक में पोस्टर लगाए गए। बता दें कि इन पोस्टरों में अमृतपाल का समर्थन करने और उनकी रिहाई के लिए आंदोलन की अपील की गई है, जहाँ पोस्टरों में केंद्र सरकार पर अमृतपाल की अघोषित गिरफ्तारी का आरोप लगाया गया है। पोस्टर लगाए जाने की सूचना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, जहां पुलिस ने आनन फानन में पोस्टर हटाकर उन्हें लगाने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी है। इस दौरान DIG और SP ने भारी पुलिस बल के साथ इलाके का जायजा लिया, जहां मुरादनगर DIG सलभ माथुर ने अमृतपाल को लेकर अलर्ट जारी किया है, जहां पुलिस ने स्थानीय लोगों से भी सहयोग करने की अपील की है। तो वहीं इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस दौरान DIG ने सख्त लहजे में कहा है कि जरूर होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी, उस संदर्भ को लेकर भी चर्चा की गई, उसको लेकर भी हमारी जो स्थानीय अभिसूचना यानी इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं और जो स्थानीय पुलिस है वो अलर्ट है। और मैं पब्लिक, आपके माध्यम से पब्लिक से यही अपील करना चाहूँगा कि इस तरह के पोस्टर या इस तरह के बहकावे के अंदर ना आए। इसी संबंध में कुछ लोगों से भी यहाँ पर मंत्रणा की गई और उनको भी कॉन्सल्ट किया। जैसे सर वो करेंगे 26 जनवरी को पुरानी मंडी में कार्यक्रम मार्च 26 इस तरह के लिए भी यहाँ पर प्रॉपर फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया। सबसे पहले इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से और लोगों से वार्ता करके यहाँ से जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी अनाउंसमेंट कराया जाएगा कि इस तरह की पहली चीज तो कोई होने नहीं देंगे, ना होगी, और अगर है तो इसकी सूचना पुलिस को दे। पुलिस अपनी तरफ से भी आइडेंटिफाई कर रही कि किन लोगों ने इस तरह का पोस्टर यहाँ पर लगा दिया है। और इस संदर्भ में हमारी, जैसा मैंने बताया कि अक्रॉस दी बॉर्डर, वहाँ पर भी लोगों से बातचीत हुई है। कुछ लोगों को हमने अभी तक आइडेंटिफाई भी किया है, आवश्यकता पड़ेगी तो उनके खिलाफ जो भी विधिक निरोधा। तो मथुरा की कर लेते हैं, जहां तीज की चमत्कारी आरती पूरी हुई। इस दौरान तीज की चमत्कारी आरती को देखने के लिए जनसैलाब उमड़ा। नवरात्र में ब्रज के प्रसिद्ध नरसमेरी मंदिर में
तीज की चमत्कारी आरती पूरी हुई। यहां सफेद चादर से आर पार होती आरती की ज्योति को देखने के लिए मथुरा के प्रसिद्ध नरसिंहमेरी मंदिर देवी मंदिर में हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। बता दें कि ये चमत्कारी आरती साल में केवल चैत्र नवरात्रों के तीसरे दिन पूरी होती है। इस दौरान भीड़ को नियंत्रण करने के लिए मौके पर SSP सुलेश कुमार पांडे, पुलिस क्षेत्र अधिकारी कौरव त्रिपाठी समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। जिसकी आरती सबसे पहले हम करते हैं, उसके बाद चार आरती और जाती है। पहली आरती कृष्ण वल्लभ जी करते हैं, ठीक है। ये आरती बहुत सालों परंपरागत से चली आ रही है। धांधु भगत मैया को लेके आए थे, तीज के दिन आरती की जाती है। आगरा वालों का विशाल मेला होता है, आगरा की तीज को आरती होती है, जिसका विशाल मेला होता है उसमें पहली आरती हमारी होती है और चार भगत और हैं फिर उनकी आरती जाती है। क्या क्या नाम है उनके? पहले का नाम है कृष्ण वल्लभ गौर, दूसरा नाम है दिलीप गौर, तीसरा नाम है विनोद गुरु, चौथा है चंदा और पांचवा है पंकज सारस। चैत्र नवरात्रि का पर्व चल रहा है और आज दूसरा दिन किया और यहाँ पे भव्य मेला लगा हुआ है और यहाँ काफ़ी संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से आ रहे हैं और आज विशेष आरती थी जिसको पीजे की आरती कहते हैं और इसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे गैर जनपदों से आज यहाँ पे उपस्थित हैं। ब्रिटेन में बात कर लेते हैं। देवरिया में हुए दर्दनाक हादसे की, यहां ईंट भट्टे की दीवार गिरने से दो मजदूर की मौत हो गई तो वहीं कई मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। देवरिया के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र में बड़े हादसे की खबर सामने आई है। बता दें कि बबनौली गांव में ईंट भट्टे पर काम कर रहे मजदूरों पर अचानक दीवार गिर गई, इसमें दो मजदूरों की मौत हो गई है जबकि कई मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद ईंट भट्टे पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, जहां गांव वालों और JCB की मदद से मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकालकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां COCT सुरेश त्रिपाठी की मौजूदगी में घायलों का इलाज किया गया। दरअसल रामपुर कारखाना के बदमानोली गांव में MMT ईंट भट्टे के रोज की तरह मजदूर काम कर रहे थे, तभी काम कर रहे मजदूरों पर अचानक दीवार गिर गई। इस दौरान डॉक्टर संकल्प शर्मा ने बताया कि ईंट भट्टे पर काम करते वक्त दीवार गिरने से हादसा हुआ, जहां मृतक मजदूरों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और बाकी सभी घायल मजदूरों को इलाज किया जा रहा है। ये मजदूर किसी ईंट भट्टे पर काम कर रहे थे तो वहाँ पे दीवार गिरने से इन लोगों को यहाँ पे लाया गया घायल अवस्था में, जिसमें से दो की मृत्यु हो गई थी और बाकी तीन गंभीर घायल थे जिनका इलाज चल रहा है। तीन गंभीर है। अभी यहाँ पे जो आए टोटल पांच लोग आए थे, जिसमें से दो मृत अवस्था में आए थे और तीन गंभीर अवस्था में है जिनकी इलाज चल रहा है। किसी को रेफर करने जरूरत तो नहीं है? अभी देखते हैं, अभी इलाज में क्या पोजीशन रहती है उस हिसाब से फिर तभी बता पाएंगे। अभी इलाज चालू है उनका, इलाज के पश्चात ही कुछ बता पाएंगे। ये के आखिरी में बात हो रहा है कि कर लेते हैं, जहां 8 साल की मासूम के साथ रेप करने के बाद हत्या कर दी गई और पुलिस ने अब एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। और में 8 साल की मासूम से हैवानियत का मामला सामने आया है। यहाँ आयान क्षेत्र थाना क्षेत्र की मवेशी चराने गई 8 साल की मासूम के गांव में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म के साथ हत्या कर दी, जिसके बाद परिजनों ने बच्चों की तलाश करते हुए उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई, जहां सूचना पर पहुंची SP चारू निगम ने बच्चों की तलाश के लिए टीमों का गठन किया, जहां पुलिस को घर में लगभग 700 मीटर की दूरी पर बच्ची का शव खून से लथपथ मिला। बच्ची का शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जहां घटना की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। इस दौरान पुलिस ने शक के आधार पर कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। परसों की शाम से एक बच्ची जो पड़िया चराने गई थी गायब थी, इसके संबंध में अभियोग पंजीकृत करके तलाश की जा रही थी, संदिग्धों को ठाकुर से पूछताछ की गई थी। तो जो संदिग्ध एक है उसमें संदिग्ध था गौतम, उससे पूछताछ में उसने घटना को कबूला था, जिसमें समीचीन धाराएं बढ़ाकर उसकी निशानदेही पर बच्ची की डेड बॉडी बरामद। तो प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AP Star News।